हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और स्वागत करता हूँ आपका पुनः एक और नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं सिवाई मैच खेलने, जो कि हमारा सेमीफाइनल का मुकाबला है हमारी टीम और जो शिमले की टीम है उसके मध्य। और अभी हम पहुँच चुके हैं सिवाई का जो रेलवे का जो कार्य चल रहा है, उसका जो पुल बना है उसमें पहुँच चुके हैं। और हमारे साथी प्लेयर, तो काफ़ी अच्छा मुकाबला होने वाला है। जो विपक्षी टीम है, शिमले की टीम है, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और हमारे जो साथी प्लेयर हैं सारे गचर के लगभग। तो हमारा और उनका मुकाबला होने वाला है, तो देखिए किस प्रकार से मुकाबला रहता है। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में। अभी हम पहुंच चुके हैं सिवाई में, यहाँ पर मैच चल रहा है सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। और जेपी बल्लेबाजी करते हुए हल्के हाथों से खेल दिया है एक रन के लिए पॉइंट रीजन में। और अब स्ट्राइक एंड पर आए हैं ब्रेन। अभी ब्रेन बल्लेबाजी पर कट करना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए गए, उनको जाने दिया विकेट कीपर के पास। अब स्ट्राइक पे हैं ब्रेन, खेल दिया मिड विकेट डिसीजन में और बॉल जाती हुई सीमा रेखा की ओर, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा कर लिया है। खेल दिया गेंद को और कैच आउट जेपी। अब आए हैं बल्लेबाजी पर शैलेंद्र बर्तवाल उर्फ सलवाई, तो देखते हैं आज सिवाई के ग्राउंड में क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। और अब सलवाई फेस करेंगे बॉल को, खेल दिया बॉल को स्लिप रीजन में और गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर चार रन के लिए। सीधे आते ही सलवाई ने चौका मारा और अपना खाता भी खोला। और एक टीम यहां पर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, सेमीफाइनल खेल चुकी है और अब फाइनल में पहुंच चुकी है। और अभी हमारा है सेकंड जो सेमीफाइनल होना है यहां पे हमारा है, तो देखते हैं आज दर्शकों की जो जनसंख्या है काफी ज्यादा है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है मैच में सिवाई में आज। बढ़िया शॉट और एक रन, बॉल जा रही है सीमा रेखा की ओर और एक रन पूरा और दो रन पूरा हो चुका है यहाँ पर। वेल रनिंग बॉयज। बढ़िया चौकी, बढ़िया साबा लड़के, बढ़िया ठीक है। एक तो कौन है वही क्या, वो कनवासी वो छोटा काफी नीचे रहते हुए गेंद। बढ़िया शॉट है, चलो भाई पुराना आउट हो चुका है ना। पहला मैच भी काफी कंटेस्ट शानदार रहा, और ये कैच छटका और बॉल सीमा रेखा से बाहर चार रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट। फील्डिंग साइड को मैच में पकड़ना, तो फिर कैच ड्रॉप नहीं करने पड़ेंगे एक बार फिर। और के हाथों से खेला और सिंगल ले लिया आसानी से। अभी टीम का स्कोर हो चुका है 26 रन चौथा ओवर प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर। और अगेन बॉल जाती हुई सीमा रेखा से बाहर चार रन अगले, और इसके साथ टीम का स्कोर हो चुका है 30 रन, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है अभी। और ये आउट दे दिया, LBW की अपील और LBW आउट। दिनेश बिस्ट अब पांचवा ओवर प्रगति पर, नीतीश आए गेंदबाजी के लिए और पंच चौकल स्टैक एंड पर।
व्हाइट गेंद, इस व्हाइट के साथ टीम का स्कोर 31 रन। अच्छे फील्डिंग उमेश कटारा, अब्बाई हैं गेंदबाजी पर, हिमांशु सामने के बल्लेबाज पवन चौकिया स्ट्राइक एंड पर हैं। और नगरालैंड के गेंदबाज हिमांशु हल्के के तक पहुंचे, आगे बढ़ते सामने बल्लेबाज पहुंच गया और खेल रहे थे लेफ्ट साइड पर तथा पर क्षेत्र रक्षक नजर और बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज नगरालैंड के गेंदबाज हिमांशु दिन भर सामना करके पहली बार तय सूरज हल्के के तक पहुंचे, आगे बढ़े सामने बल्लेबाज सूरज और गेंद हवा में गेंद और जाते हुए सीमा रेखा की ओर, सीमा रेखा से बाहर जा रहे हैं। सिंगल एक और रन लग भाई के रूप में, थोड़ा बहुत खाएगा कोई दिक्कत नहीं यार, ये चलता है मजबूत लौंडा है तो अपना बल्ले का रन था ये। छह ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 42 रन, 38 रन हो रहा है टीम का स्कोर 38। और यहाँ पर अपने गानों में व्यस्त अनुराग झूमते हुए गानों के साथ देख सकते हैं आप। व्हाइट गेंद दबाव बनाओ, इसमें दबाव बनाओ जरा फिल्डर पे। और कीपर के द्वारा मिस पेड, व्हाइट प्लस बाई, व्हाइट प्लस बाई भाई, व्हाइट बॉल प्लस बाई, दो रन आ चुके हैं। छोड़ दे बढ़िया बढ़िया शाबाश, व्हाइट गेंद और एक बाय फिर से व्हाइट के साथ बाय, व्हाइट बॉल अंपायर व्हाइट बॉल व्हाइट गेंद दिया और आखिरकार निर्णय बदला अंपायर ने अपना और व्हाइट गेंद दिया और रन आउट का खतरा और ये
रन आउट सूरज दरियाल बना कर देता ना वही से सात ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर 46 रन दबाव उनका आगे और कैच आउट कौन सा क्या जीतने के लिए 28 रन की आवश्यकता है जबकि 6 विकेट पवेलियन लौट चुके हैं व्हाइट गैन एक और रन मिला व्हाइट आ गई बढ़िया 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 चलो बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया रनिंग एक और रन ले लिया बाइक रूप में अच्छा सामान ले गया इनको मैच बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है जीत के लिए मात्र 16 रन की आवश्यकता अब चाहिए जीत के लिए 15 रन 23 गेंदों पे खेल दिया गया फील्डर के क्षेत्र में एक रन किया आसानी से ठीक है
दो रन ले लिया आसानी से, बहुत बढ़िया रनिंग बटन लग गया और खिलाड़ी काफी खुश। गुड रनिंग, अब जीत के लिए 11 रन की और आवश्यकता है। के चलते दो रन ले लिए आसानी से। जी भाई कहाँ भाग रहे, अच्छा डिफेंस किया गया इनको। और खेल दिया गया इनको, एक रन आसानी से पूरा कर लिया है, दो रन की मांग लेकिन नहीं। और अभी सब खिलाड़ी खुश भी और थोड़ा प्रेशर में भी। और एक रन बाई के रूप में ले लिया फिर से, लेग बाई के रूप में। खेल दिया गया वो बॉल जाती है सीधा सीधा 4 रन के लिए। और नितेश चौधरी और सारे जो खिलाड़ी हैं काफी खुश, और जीत के लिए मात्र 2 रन की आवश्यकता और फाइनल से मात्र 2 रन दूर हमारी टीम। और खेल दिया है गेंद को 6 रन के लिए सीवर के से बाहर, और इसके साथ हमारी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सभी को हार्दिक बधाई। तो फाइनली हम सेमीफाइनल जीत चुके हैं सिवाय गांव में, और अब फाइनल जो होगा 15 तारीख को होगा। तो ये है सिवाय गांव ऊपर और सिवाय का ग्राउंड। तो जल्दी मिलते हैं अब आपको अगले मैच में, आप बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने घर में, और आज का जो मैच रहा बहुत ही रोमांचकारी मैच रहा, जिसमें सिमली की जो टीम थी उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ली और निर्धारित 15 ओवर में उन्होंने 76 रन बनाए, और हमारी टीम को जो लक्ष्य दिया 77 रन का लक्ष्य दिया। जो उन्होंने पहले बैटिंग की उसकी वीडियो तो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि उस समय मैं फील्डिंग कर रहा था, और उस दौरान जब हमारा जो पहला ओवर किया गया अनूप चौधरी के द्वारा किया गया, जिसमें कि उन्होंने एक विकेट लिया पहले ओवर में और एक रन दिया मात्र। उसके बाद नीतीश चौधरी आए गेंदबाजी पर और उसने मिड इन ओवर निकाला, और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने टोटल जो सिमली की जो टीम थी उन्होंने 76 रन बनाए और 77 का लक्ष्य हमें दिया। और हमारी शुरुआती पहला ओवर जो हमारे विपक्षी टीम ने डाला प्रवीण चौहान ने, उसमें हमने लगभग 11-12 रन बनाए, और उसके बाद एक विकेट खोया, फिर उसके बाद दूसरा विकेट और तीसरा विकेट जल्द ही लगभग 20-25 रन के अंतराल पर खो दिया था। हालांकि हमने धीरे धीरे फिर हमारे जो टीम मेंबर्स थे बाकी के जो प्लेयर थे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और एक अच्छे साझेदारी के तहत हमने ये लक्ष्य आसानी से पूरा कर लिया, जिसमें कि आपने अभी देखा कि अनुराग ने लास्ट में लगभग जीतने के लिए जब 6 रन चाहिए थे तो एक चौका मारा, उसके बाद छक्का मारकर मैच जिताया, जो कि बहुत ही मजेदार छक्का था और काफी दिल खुश हुआ इस छक्के को देख के।
तो आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपको एक और इसी प्रकार के नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।